Hello students, myself Hith Avdhesh Sharma here on my channel Jankari Hith again with you regarding a very important topic of economics, that is PPC, Production Possibility Curve. Before Production Possibility Curve, one advice from my side is there. Firstly, you should see one video before I have shared on my channel. Here is a central economic problem of an economy. That will make your today's way worries. Let's move ahead with today's topic, Production Possibility Curve, that is PPC. Yes, as I have already told to all of you today regarding today's topic is of PPC. We should know that PPC is the solution of central problem of an economy. मतलब जो हमारा आज का विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और ये किसी भी आर्थिकता की या अर्थव्यवस्था की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उनका सही मायने में ये सलूशन है, उसका हल है। तो ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती है, पहले हमें इसको थोड़ा सा समझना होगा। इसके बारे में जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, मेरी एक इससे पहले की वीडियो है, आप उसको देख सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने उसको वहां पर एक्सप्लेन किया। तो एक ब्रीफ लुक हम डालते हैं इस पर जल्दी जल्दी में। व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? हमें पता है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। इसी कारण किसी भी अर्थव्यवस्था में बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। स्पेसिफिकली वो समस्याएं होती हैं फैक्टरों प्रोडक्शन से रिलेटेड, land, labor, capital and entrepreneur. We should know that these are the factors of production, these four are. तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, जिसमें सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे सामने जनरली एज ए इकोनॉमिक्स हम देखने की कोशिश करें तो पहली होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे सीमित साधन हैं उनको कहाँ पर किस बात के लिए क्या करने के लिए लगाया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमें ये डिसाइड करना होता है हमने किस चीज़ की पैदावार करनी है, और जो डिसाइड कर लिया उसके बाद उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने की टेक्निक लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए और कैपिटलिस्टिक इंटेंसिव होनी चाहिए, जो मैकेनिकल मशीन्स बेस्ड टेक्निक होती है। और फिर ये डिसाइड करना, ये भी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमने किसके लिए पैदा करना है। गरीब हैं, मीडियोकर क्लास है, जो रिच पीपल हैं उनके लिए प्रोड्यूस करना है, ज़्यादा नेसेसिटीज़ पैदा करनी है। इस सब चीज़ के बारे में ये एक बड़ी आर्थिक इशू बन जाता है किसी भी इकोनॉमी में, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के हम अपने साधनों को व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए कहाँ कैसे लगाएं। सेकेंड जो इशू है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज तो लगा दिए, क्या वो रिसोर्सेज हम कहीं अंडर यूटिलाइज तो नहीं कर रहे, क्या हम उन रिसोर्सेज को कहीं हम ओवर यूटिलाइज तो नहीं कर रहे। इस बात को डिसाइड करना, उसको रिजॉल्व करना, दैट इज आल्सो वन ऑफ द सेंट्रल अमंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एंड थर्ड वन, हाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको ग्रोथ कैसे की जाए, उन सभी का विकास कैसे किया जाए, दैट इज आल्सो द मेन कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज दिस वन, दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अगर डिटेल में देखना है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। आओ उसके आगे चलते हैं। अब फिर ये जो समस्याएं हैं उसका सलूशन भी है एक सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का, वो है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मतलब उत्पादन संभावनाओं वक्र, उत्पादन संभावना मतलब उत्पादन की संभावना पॉसिबिलिटी, कर्व मतलब उसको कर्व में दिखाना, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दिखाना, दैट इज पीपीसी। और डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी इज अ कर्व और अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ध्यान से एक एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। पीपीसी इज अ कर्व, दैट इज कर्व और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन, rather we can say all possibilities of production, showing different combinations of two goods which can be produced with all given resources and technique, all given resources and technique on the assumption that all resources are given and all given resources are fully and efficiently utilized। ये एक टफ रूप हो गया, लेकिन अब इस लेवल पे हम इसको समझने के लिए इसको ब्रेकअप करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझते हैं। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये तो पता चल गया कि ग्राफिकल रूप है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या है इसको समझते हैं हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से। जब हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी द प्रोडक्शन ऑफ शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। किसी एक अर्थव्यवस्था में मान लो सिर्फ दो वस्तुओं को ही पैदावार की जा रही है, दो ही वस्तुएं हमने पैदा करनी है, उनके कौन कौन से कॉम्बिनेशन मींस किस वस्तु की कितनी पैदावार की जाए, किसकी कितनी की जाए, की पैदावार बिल्कुल बंद कर दी जाए, सारे जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको एक वस्तु की पैदावार में लगा दिया जाए, या थोड़ी सी उसकी पैदावार थोड़ी सी उसकी पैदावार, ये हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मान लो हमारे पास 10 रिसोर्स हैं, सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हमारे सिर्फ 10 ही हैं हमारे पास, उनको हम कहाँ कहाँ लगाएं? और मान लो हमने दो ही तरह की वस्तुएं पैदा करनी है, एक वस्तु एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो सकती है, एक इंडस्ट्री के सेक्टर से, दोनों इंडस्ट्री की हो सकती हैं, दोनों एग्रीकल्चर की हो सकती हैं। अब खेत में हमने भाई धान बीजना है या गेहूँ बीजना है, कितना कितना बीजना है, जानते हैं इसका टाइम लगा, मान लो एक ही टाइम की दो फसलें हो, कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर लगाएं, इस बारे में जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये लगाएं या ये लगाएं, ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आओ अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, किसी एक इकोनॉमी में मान लो दो वस्तुएं पैदा हो रही हैं, उनमें से किस वस्तु की कितनी पैदावार की जाए, जो हमारे सीमित साधन हैं उनका प्रयोग करते हुए उन सभी कॉम्बिनेशंस को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कहते हैं। भाव उत्पादन की संभावनाएं उतनी उतनी हैं, और उन संभावनाओं को जब हम एक चित्र के रूप में, एक ग्राफ के रूप में, कर्व के रूप में दिखाते हैं, उसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बट एक बात ध्यान रखनी होगी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में सिर्फ वही संभावनाएं हम इंक्लूड करते हैं जब हम अपने सारे रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उन सभी को लगाते हैं और उसको फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है। और फिर और थोड़ा सिंपल करते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो हमारे पास 10 यूनिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उनको हमने दो टाइप की वस्तुएं जिनको प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में, वो दो टाइप की वस्तुएं, एक तो पी है, मान लो अजम्पशन है, भी पी का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक क्यू है, उनको प्रोड्यूस करना है। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, कितने हैं, 10 रिसोर्सेज हैं, जिनको हमने इन दोनों की प्रोडक्शन में लगाना है। अब एक बात तो साफ होगी, अगर हमने पी की प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो क्यू की प्रोडक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी, डाउन। अगर क्यू की प्रोडक्शन को अप करना है तो नेचुरली हमें पी की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डाउन। तो इन्वर्स हो गया ना इन दोनों में। हम रिसोर्सेज कहीं लगा सकते हैं, या तो पी पैदा कर लो या क्यू, या दो थोड़ी सी वो थोड़ी सी वो। इसको हम विभिन्न संभावनाएं कहते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। कौन कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन दो वस्तुओं को पैदा करने के, पी और क्यू की, जबकि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो सिर्फ 10 यूनिट है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सीमित है। तो इसको और सिंपल शब्दों में समझने के लिए हम इस टेबल को देखते हैं। टेबल में देखो हमारे पास ये सारी, मान लो टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं। वी हैव 6 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज टू प्रोड्यूस पी एंड क्यू। मतलब या तो ये पैदा करो या ये पैदा करो, इतनी वो इतनी वो। फॉर एग्जाम्पल एट द वेरी बिगिनिंग हम सारे के सारे अपने जो रिसोर्सेज हैं, पहली पॉसिबिलिटी ये है इस टेबल के अकॉर्डिंगली कि हमने सारे अपने रिसोर्सेज क्यू वस्तु को प्रोड्यूस करने में लगा दी, एंड वी हैव प्रोड्यूस 15 यूनिट ऑफ क्यू एंड 0 यूनिट ऑफ पी। कुछ रिसोर्सेज को शिफ्ट किया, हमें ज़रूरत महसूस हुआ क्योंकि ये की हुई एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। हमें महसूस हुआ कि कुछ यूनिट्स इंडस्ट्री में लगाए जाए इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली या उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इच्छाओं के अकॉर्डिंगली हमने उनको इंडस्ट्री में भेज दिया। तो इंडस्ट्रियल फैक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें वहाँ एक यूनिट मान लो प्रोड्यूस की, एक का मतलब एक नहीं है, ये 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी। इट्स जस्ट अजम्पशन, बात को समझने के लिए। और जब यहाँ लगाएंगे भी कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो नेचुरली यहाँ से कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो क्यू को पैदा कर रहे थे वो कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम होगी 15 से 14। सिमिलरली एक सी कॉम्बिनेशन बना, जैसे बी था सी कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है। इंडस्ट्री में हमने थोड़ी सी प्रोडक्शन और बढ़ानी चाहिए, इंडस्ट्री में कुछ सोर्सेज और आए, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको इंडस्ट्री में लगाया, और पी वस्तु के 2 यूनिट हमने प्रोड्यूस कर दी, और यहाँ पर रिसोर्सेज कम होने की वजह से प्रोडक्शन 14 से कम होकर 12 यूनिट होगी। सिमिलरली डी ऑप्शन इज देयर, जब यहाँ पर 3 यूनिट पैदा की, यहाँ पर प्रोडक्शन और कम हुई क्योंकि कुछ रिसोर्सेज इधर शिफ्ट हो गए पी को प्रोड्यूस करने में, यहाँ पे प्रोडक्शन 12 से कम होकर 9 पे पहुँच गई। सिमिलरली वही ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 4 यूनिट हमने प्रोड्यूस करने की सोची, मान लो एक कंट्री ऐसा था जहाँ पर ज़मीन सीमित थी, जापान जैसा कंट्री, वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो सारी इंडस्ट्री को डेवलप किया हुआ है। इंडस्ट्री को मान लो और डेवलप करने के लिए पी वस्तु का और उत्पादन शुरू कर दिया, तो नेचुरली क्यू की प्रोडक्शन है जो वो और कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन 9 से कम होकर 5। ये हमारे पास ई ऑप्शन हो गया। एक पॉसिबिलिटी और भी थी भी कि हम अपनी सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पी को प्रोड्यूस करने में लगा दें, 5 यूनिट पैदा होगी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास प्रोडक्शन कितनी रहेगी, 0। दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटी, इट्स जस्ट अजम्पशन। मान लो एक बात तो साफ होनी चाहिए, एक अर्थव्यवस्था में कभी भी 2 वस्तुएं पैदा नहीं होती, ज़्यादा होती हैं। लेकिन समझने के लिए मान लो 2 पैदा कर रहे हैं, मान लो ज़्यादा भी पैदा होती हैं, अगर किसी एक वस्तु की पैदावार बढ़ेगी तो नेचुरली किसी की कम होगी, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस। ये बात क्लियर होगी। डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस, ये 6 पॉसिबिलिटी हैं, इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं, और जब इन्हीं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को हमें कर्व के रूप में दिखाते हैं वो बन जाती है भाई PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम टेबल को समझ चुके हैं, अब कर्व को देखें। ये हमारे पास 6 ऑप्शन है, A B C D E और F। इन सभी को हमने इस टेबल में जो हमने डाटा फीड किया उसके अकॉर्डिंगली दिखाया। मान लो A पॉसिबिलिटी को देखें, P की 0 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, Q की 15, यहाँ 0, इधर हम प्रोडक्शन ऑफ Q दिखा रहे हैं Y एक्सिस पे, प्रोडक्शन ऑफ P दिखा रहे हैं हम X एक्सिस पे। Q की प्रोडक्शन हमारे पास 0 है और P की प्रोडक्शन 15 है, तो A पॉइंट आ गया जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, 8वां बिंदु जिसे कहते हैं। यस, नेक्स्ट वन। उसके बाद हमने क्या किया था, सेकंड ऑप्शन बी। बी में क्या था, P की 1 यूनिट प्रोडक्शन, यहाँ पे कम होकर 14, तो ध्यान से देखो यहाँ 14 प्रोडक्शन ऑफ Q और प्रोडक्शन ऑफ P 1, और जो दोनों का कॉमन पॉइंट आया यहाँ पर वो आ गया B। सिमिलरली ऐसे ही जब यहाँ पर 2 हुए, यहाँ पे 12 मतलब 12, 2 यूनिट प्रोड्यूस की और यहाँ पर 12 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन कम हो गई है क्यू की, तो तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बन गई, सी पॉसिबिलिटी है। अब डी पॉसिबिलिटी जो चौथी पॉसिबिलिटी थी 3 और 9 के साथ, वो बन गई हमारे पास ये 3 के अपोजिट और ये 9 के अपोजिट, कॉमन पॉइंट डी आ गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी थी वो थी ई की पॉसिबिलिटी की है 4 और 5 की, मतलब क्यू की जो प्रोडक्शन है वो हमने कितनी कर दी, क्यू की प्रोडक्शन हमने क्या किया, क्यू की प्रोडक्शन 5 और पी की प्रोडक्शन 4, जब पी की प्रोडक्शन 4 यूनिट हो रही है और Q की प्रोडक्शन 5 है, तो कॉमन पॉइंट E बना। ये पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी और भी है, वो है F, जब हमने सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको लगा दिए, P को प्रोड्यूस करने में, तो 5 0 के कॉम्बिनेशन से हमारे पास कौन सा पॉसिबिलिटी बन गई, F। और जब हम इन सभी पॉइंट्स को A को B से C D E F से मिलाएं तो हमारे पास एक ऐसी, जैसे मैं आप दिखा रहा हूँ, ऐसी कर्व बन गई है, ये बिल्कुल कॉन्केव कर्व बन गई है। इसी कर्व को हम क्या कहते हैं, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बिकॉज दिस कर्व शोइंग ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 थिंग्स दैट इज P एंड Q। समझ लग गया अभी इस, ये जो PPC है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी उत्पादन संभावना वक्र, ये हमारे पास सारे जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं उनको शो कर रही है। दैट इज द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कॉम्बिनेशन इस कर्व के ऊपर आ रहे हैं ये बेस्ट यूटिलाइजेशन है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्या पीपीसी शिफ्ट भी हो सकती है? शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी, यस इट इज पॉसिबल. पीपीसी कैन बी शिफ्ट इन केस ऑफ चेंज इन रिसोर्सेज. जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनकी मैं बात कर रहा था, रिसोर्स थे हमारे पास सीमित हैं, अगर हम उनमें चेंज कर दें तो उस केस में शिफ्टिंग ऑफ पीपीसी हो सकती है. वो कौन कौन से हैं? इंक्रीज इन रिसोर्सेज. मान लो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम उन रिसोर्स को क्या कर दें, भी इंक्रीज कर दें, इंक्रीज इन रिसोर्सेज. ये हमारे पास जो हमने पहले बनाई है पीपीसी वो है जिस पर सारे 6 की 6 पॉसिबिलिटीज दिखाई हैं ए से लेके एफ तक. जब हम रिसोर्सेज इंक्रीज करेंगे तो पीपीसी राइट की ओर शिफ्ट होकर ऐसे आ जाएगी, यहां से लेकर यहां तक. ये ध्यान से देखो, ये अपवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रही है, ऊपर की ओर जा रही है, फॉरवर्ड कर रही है. क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज कर दिए, हमने जो साधन थे इंक्रीज कर दिए. अब पीपीसी ये बन गई, तो जो कॉम्बिनेशन इस कर्व पे आएंगे उन सारे पॉइंट्स को मिलाने से ये वाली कर्व को हम क्या कहेंगे, न्यू पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. बट इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज. सिमिलरली देयर मे बी द चांस ऑफ डिक्रीज इन रिसोर्सेज. साधनों में कमी भी तो भी हो सकती है. मान लो हमारे पास जो प्रीवियस पीपीसी थी, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में की, वो यहाँ से शुरू होके यहाँ घूम के ये यहाँ तक आ गई. ये हमारे पास पहली प्रीवियस पीपीसी थी. हुआ क्या, कुछ साधनों की हमारे पास कमी पड़ गई. साधनों की कमी की वजह से हमारी जो प्रोडक्शन थी वो कम होने के सोर्सेज साधन हो गए, तो उस वजह से क्या हुआ, पीपीसी बैकवर्ड शिफ्ट होगी. ब्लू शेड में देखो, बैकवर्ड शिफ्ट हुई. तो क्या हुआ, बैक शिफ्ट होने का कारण क्या था, क्योंकि रिसोर्सेज कम थे. वो रेड लाइन से ब्लू लाइन में जो बैक आ रही है, ये दैट इज द न्यू पीपीसी बिकॉज इट्स गोइंग टुवर्ड्स, सॉरी इट्स गोइंग एज इट इज गोइंग बैकवर्ड बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन रिसोर्सेज. क्योंकि साधनों में क्या होगी, भी कमी होगी. समझ लगा, इस ढंग से पीपीसी में शिफ्ट हो सकता है. और नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पीपीसी के अंडर बड़ा इंपॉर्टेंट है. क्या हम साधनों का, मैंने कहा कि अगर हम एफिशिएंटली प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें तभी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो पीपीसी पर आती हैं. फॉर एग्जांपल एक पीपीसी बनाते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम में देखें. मान लो यहाँ से पीपीसी शुरू हुई, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो ये ग्रीन पॉइंट हैं. ए पॉसिबिलिटी, बी पॉसिबिलिटी, सी पॉसिबिलिटी से गुजरती हुई ये हमारी बन गई पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ये जो ए बी सी हैं, ये तीनों वो कॉम्बिनेशन है जहां हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का, जो भी हमारे पास हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, उन साधनों का सही प्रयोग कर रहे हैं. मान लो इसमें एक कॉन्सेप्ट फिर आता है अंडर यूटिलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल हम इस कॉम्बिनेशन से, जिसको मैं डी से शो कर रहा हूं, या ई कॉम्बिनेशन जो येलो शेड में दिखाया है, इसी तरह से एफ कॉम्बिनेशन ये भी येलो में दिखाया है, अगर हम इस कॉम्बिनेशन से पी और क्यू की प्रोडक्शन करें, डी पॉइंट आए पॉसिबिलिटी का, ई आए या एफ आए, ये सारे के सारे प्रोडक्शन के कम होने की संभावना को भी शो कर रहे हैं और ये पीपीसी पर नहीं आ रहे हैं और यहाँ पर ना ही कोई पीपीसी नहीं बनी हुई है. तो इन सब को हम क्या कहेंगे कि हमने अपने साधनों का सही प्रयोग नहीं किया. इसे हम कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हमारे कुछ साधन फ्री बैठे रहे, मशीन की प्रॉपर यूज नहीं हुई, 3 मशीनें थी, एक चल रही थी, 2 बंद थी, इसको कहते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फिर ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो हम ए बी सी, इनमें से तीनों पॉसिबिलिटीज को छोड़कर हम इस पॉसिबिलिटी से करें कि हमारा जो नया पॉइंट है प्रोडक्शन का, जो पॉसिबिलिटी है, वो जी पॉइंट आ रहा है जो रेड में शो किया है. अब रेड देखो भी, हमें एक बार में दिख रहा है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है, ऐसा दिख रहा है, बट वो प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो पीपीसी पर नहीं है, ना ही यहाँ पर रिसोर्सेज बढ़ने के कारण कोई नई पीपीसी आई है. तो पीपीसी पर ना होने के कारण हमने कुछ देर के लिए प्रोडक्शन तो बढ़ा ली, इसको कहते हैं हम साधनों का ओवर यूटिलाइजेशन, अति उपयोग कर लिया. उपयोग नहीं भाई, मैं तो इसको दुरुपयोग कहूँगा. साधनों का मिस यूटिलाइजेशन, ओवर यूटिलाइजेशन इज दिस. These are two concepts of under utilization of resources and over utilization of resources in case of production possibility curve. I think the concept is clear. तो basically हमारी जो production possibility है ये एक ऐसी curve है, एक बार review करते हैं इसको थोड़ा सा, इस curve को ध्यान से देखें. ये एक ऐसी curve है जिस पर उत्पादन के सीमित साधनों के साथ, मान लो हम दो वस्तुओं को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन की सभी वो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को शो करें. यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए उत्पादन करें और वो सारी पॉसिबिलिटीज़ उस कर्व पे जो एग्जिस्ट करती हैं वो सारी उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ कहलाती हैं. दीज आर द बेस्ट सोल्यूशन. हेलो स्टूडेंट्स, I think the concept is quite clear now. Today's topic, that is PPC. I think concept is quite clear, but what little technical concept I think. Yes. If you have any concern, just move backward in this video. थोड़ा पीछे जाओ और देखो जाकर वीडियो में उस कंटेंट के उस एरिया को देखो. I think the concept will be quite clear to all of you then. What we have discussed, just a recapitulation here. Production possibility curve, we know a curve which represents the maximum amount of pair of goods or services that can be produced within the economy's given resources and technique, but the assumption is that we are fully utilizing those resources and techniques. Means what I want to say, in an economy, if we have just let it maybe suppose that I have already in today's video, let maybe there are only two products which we are producing. One is P and the second one is the Q. What are the different possibilities of production of these two different items in an economy? When we have limited resources within an economy, those resources means the factor of production. With those limited resources, with their best utilization, what are the different possibilities is there to produce both P and Q, or we can say two different commodities in an economy? These, when we show these possibilities on a curve, that curve is known as production possibility curve. I think the concept is clear. If you have any concern, give your comment here. I will be here very soon with a new video of regarding economics, very important content here. Till then, thank you very much.